है राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 में अयोध्या चौक पर। वर्षा ऋतु को आगमन हो चुका है, बिल्डिंगे और सड़कें पूरी तरह धराशायी हो चुकी हैं, हो रही हैं। एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताते हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। इस बिल्डिंग के बारे में शिकायतें की जा चुकी हैं और भी हाल ही में इसका एक फ्लोर जो असल है उस पर छत गिर चुकी है, जिसके बारे में प्रशासन को बताया जा चुका है, लेकिन अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। इस बिल्डिंग में आपको अंदर का हिस्सा दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कितना डैमेज बिल्डिंग का हुआ है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 अयोध्या चौक के पास का है, जहां पर ये ऑफिस के अंदर का नज़ारा है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिल्डिंग जर्जर की हालत में है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें बाहर रेस्टोरेंट भी चल रहा है इस बिल्डिंग में, जहां लोग सवेरी कचौरी समोसा ब्रेड खाने के लिए यहां लाइन लगी रहती है। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ये बिल्डिंग जर्जर की हालत में अगर ये गिर जाती है तो एक कितना बड़ा हादसा होगा। दिल्ली शासन प्रशासन फिर क्या करेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुरानी है, हालांकि किसी बिल्डिंग के लिए 30 फीट तो अधिक नहीं होते, लेकिन यदि अगर उसमें खारा पानी बॉडी वाटर का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जो आयु है वो कम हो जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं जगह जगह पर बोरिंग वाटर का प्रयोग हो रहा है और बिल्डिंग क्यों होता है डैमेज हो चुकी है। कारण है बोरिंग वाटर का प्रयोग बिल्डिंग में जो कि लीज पर चल रही है। अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, टोटली इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। यहाँ पर आप देखें कितने लोगों की आवाजाही है, मैं आपके कैमरा मैन से कहूँगा कितनी दिखाएं कितने लोग यहाँ पर आते जाते हैं। ऐसे में अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो कितने लोगों की हानि होगी, कितना जान माल की हत्या होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि वर्षा ऋतु के समय में जब बिल्डिंगें गिर रही हैं और सड़कें टूट रही हैं तो कम से कम एक इन्फॉर्मेशन जो दी जा चुकी है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को भी सूचित किया जा चुका है और MCD को भी बताया जा चुका है, तो उस पर कार्रवाई की जाए।